फाइनल न्यूज के साथ मैं हुरबा बक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत के पास टैक्स न देने वालों का डेटा आ रहा है, उनके पास FBR पहुंचेगा। इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, हुकूमत के पास टैक्स न देने वालों का डेटा आ रहा है, उनके पास FBR पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम राष्ट्र की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आम आदमी बैंकों में जाने से डरता था, बैंक वाले सूट बूट और अंग्रेजी बोलने वालों को कर्ज देते हैं। राष्ट्र के इस्तेमाल से लोग बैंकिंग सिस्टम में आएंगे, आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना होगा। FBR में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के 22 करोड़ अवाम एक बहुत बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी कामयाबी अवाम को ऊपर लाना है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी पहली हुकूमत में बेरोजगारी और गुर्बत कम हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान KP में हुआ। इमरान खान बोले कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गुर्बत में कमी आई। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हमें टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना होगा। मुल्क में टैक्स देने वालों की तादाद बहुत कम है, अच्छा घर गाड़ी और लाइफस्टाइल रखने वाले भी टैक्स नहीं देते। हुकूमत के पास टैक्स न देने वालों का डेटा बड़ी तेजी से आ रहा है, टैक्स न देने वालों के पास FBR पहुंचने वाला है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान तरक्की याफ्ता ममालिक में भी गुर्बत बढ़ी, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का सबसे बड़ा सासा है, FBR में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है निचले तबके की बराह रास्त इमदाद करें, अगले मरहले में एहसास राशन प्रोग्राम को रास्त से मुंसलिक करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पर काबीना में बहस हो गई, 8 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर वफाकी काबीना में बहस कराने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के फैसले के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी भेजी जाएगी, जिस पर वजारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला करेंगे। ज़राए का कहना है कि आर्मी मार्केट में खाम तेल की कीमत में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है और मार्केट में खाम तेल $95 फी बैरल तक ट्रेड हो रहा है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा लेवी और GST की बुनियाद पर पेट्रोल 8.5 रुपए तक महंगा हो सकता है और डीजल भी 6.5 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म को हमारी मुलाकातों से नहीं मुल्की तबाही से घबराना चाहिए। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को हमारी सियासी मुलाकातों से नहीं बल्कि तबाही से घबराना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म आपकी मुलाकातों से घबराहट का शिकार हैं। उस पर अपोजिशन लीडर का कहना था कि उन्हें हमारी सियासी मुलाकातों से घबराहट और परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की तबाही, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से परेशान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में महंगाई में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना अब हुआ, कर्जों पर इतने कर्जे लिए गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। शहबाज शरीफ का कहना था कि गंदम और शुगर समेत करप्शन के बेपनाह स्कैंडल हैं, अरबों खरबों की करप्शन करके मुल्क की दौलत दोनों हाथों से लूटी गई। फैसल वाडा ने ताहयात नाहली को अदालत में चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा ने ताहयात नाहली को अदालत में चैलेंज कर दिया। PTI रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने दौरी शौरियत केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाहल करार दिए जाने के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ वसीम सज्जाद एडवोकेट के जरिए अदालत में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन नाइली का फैसला देने का मजाज ना था, उसका 9 फरवरी 2022 का नाइली का फैसला कलदम करार दिया जाए। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शौरियत केस में साबिक वजीर फैसल वाडा को नाहिल करार दिया है और उनका बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दिया था, जिसके बाद उनका बतौर सेनेटर इलेक्शन कमीशन से जारी नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा था कि फैसल वाडा 2 माह में तमाम माली मफादात और मुराआत वापस करें। उन्होंने जुर्म छुपाने के लिए कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दिया। फैसल वाडा सिंध से तहरीक इंसाफ की नशिस्त पर 3 मार्च 2021 को सेनेटर मुंतखब हुए थे। तालिबान दौर में अफगानिस्तान में वैलेंटाइन डे पर कैसा माहौल रहा। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद गुज़िश्ता रोज पहला वैलेंटाइन डे था, जिस पर तालिबान की जानिब से फूल फरोशों को फरोख महदूद रखने की हदायत जारी की गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर काबुल के बाजारों में फूलों से सजी गलियों का दौरा किया, लेकिन वैलेंटाइन डे पर फरोख बंद नहीं की गई। उन्होंने दुकानदारों को फूलों की फरोख महदूद रखने और मीडिया को इंटरव्यू देने से गुरेज करने की हिदायत
अदालत की। मुकामी अफराद का बताना था कि एक तालिबान अहलकार ने भी फूलों की दुकान से फूल खरीदे। इसके अलावा एक दुकानदार ने कैनेडियन मीडिया को इंटरव्यू में बताया कि तालिबान की हुकूमत से कबल हमें काफी आजादी थी, लोगों का कारोबार अच्छा था, जिससे वो वैलेंटाइन डे पर अपनी अहलिया या महबूबा के लिए फूल खरीदते थे। लेकिन अब इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता। फूल फरोश का कहना था कि अब लोगों के पास इन चीजों के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं है। एक शहरी ने इंटरव्यू में बताया कि पिछले 2 साल में मैंने अपनी अहलिया के साथ वैलेंटाइन डे एक रेस्टोरेंट में मनाया, लेकिन इस बार जब हम रेस्टोरेंट में बुकिंग कराने गए तो हमें सिक्योरिटी खतरात और धमकियों के बायस हर जगह से मना कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि तालिबान के कंट्रोल से कबल साल 2020 में एक फैशन शो के साथ अफगानिस्तान में वैलेंटाइन डे मनाया गया था। शो में शरीक एक मॉडल का कहना था कि वैलेंटाइन डे पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन अफगानी लोग इससे नावाकिफ हैं। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोधा, इस्लामाबाद से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। मुझे धमकियां मिल रही हैं। परवीन बिन नंगे पांव अदालत पहुंच गईं। पीपल्स यूनिवर्सिटी शहीद बिन नजीराबाद में मुबैना तौर पर हिरासानी और तशद्दुद का शिकार नर्सिंग हाउस ऑफिसर परवीन बिन नंगे पांव अदालत पहुंच गईं। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाप्त के सिलसिले में पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी शहीद बिन नजीराबाद की तालबा परवीन बिन अदालत पहुंची, जहां मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुल्जिम गुलाम मुस्तफा राजपूत अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसे सपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंध की बेटियों को मारकर खुदकुशी का रंग दिया जाता है, हॉस्टल में बच्चियां खुदकुशियां नहीं करती, उन्हें पंखे पर लटकाया जाता है। परवीन विन का कहना था कि उनके कमरे में 3 खवातीन दाखिल हुईं, तशद्दुद किया, घसीटा गया, पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मारा गया, इंतजामिया को शिकायत की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है और धमकियां मिल रही हैं। मेरी हाउस जॉब किसी और शहर में मुंतकिल की जाए, हाउस जॉब को 1 माह हुआ है, तालीम जारी रखना चाहती हूँ। OIC का भारत में मुस्लिम तालिबात को हिजाब ओढ़ने से रोकने की मुहिम पर इजहार तशवीश। जद्दा इस्लामी ताउन तंजीम ने भारत में मुस्लिम तालिबात को हिजाब ओढ़ने से रोकने की मुहिम पर इजहार तशवीश कर दिया। OIC तंजीम ने भारतीय हुकूमत से मुसलमानों को तहफ्फुज़ देने का मुतालबा कर दिया। अक्वामे मुत्तहिदा ने भी भारतीय मुसलमानों का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने के लिए इकदामात का कह दिया। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरीट ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि भारत में मुसलमानों और उनकी इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों पर तशद्दुद के वाकयात बढ़ गए हैं, जबकि अक्वामे मुत्तहिदा से भारतीय मुसलमानों का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने के लिए भी कहा है। भारतीय रियासत कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों में मुसलमान तालिबात की हिजाब और बुरका पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। इंतहा पसंद हिंदू जतों की जानिब से हिजाब पहनने वाली तालिबात को हिरासा करने के वाकयात बढ़ गए हैं। पाकिस्तान का सलामती कौंसल से दहशतगर्दी माली मावनत के मुर्तकिब भारत पर सख्त पाबंदियों का मुतालबा। न्यूयॉर्क पाकिस्तान ने अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसल से दहशतगर्दी और माली मावनत के मुर्तकिब भारत पर सख्त पाबंदियों आयद करने का मुतालबा कर दिया। अक़्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसल इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी ने रवां साल की ओपन ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी मंदूब उमर फारूक ने करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत ब्रीफिंग को पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल करने में नाकाम रहा। भारत दहशतगर्दी की आड़ में जनूबी एशिया में बुनियादी इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पाकिस्तान ने अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसल से दहशतगर्दी और माली मामलों के मुर्तकिब भारत पर सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा कर दिया। तौहीन अदालत केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राणा शमीम को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में राणा शमीम को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम के बयान हल्फी की खबर शाया करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अथरमिनुल्ला ने रिमार्क दिए कि राणा शमीम की जानिब से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राणा शमीम को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी। सदर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, कौमी सलामती सूरतेहाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में भी आर्मी चीफ ने शिरकत की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऐवान सदर में मुलाकात की।
कौमी सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना तैयारी, दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी और मुल्क से मुतशर अनासिर के खात्मे के अज़म का अहदा किया। सदर मुमलिकत ने बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के 9 जख्म शुदा अज़ला में ऑपरेशन में जान का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों पर फख्र है। मुसल्लह अफवाज ने तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्क की सरहदों का दिफा किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपकस कमेटी के इजलास में भी आर्मी चीफ और DGISI ने शिरकत की। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने नेशनल सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी, जबकि इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के हालिया वाकियात और अफगान सूरत हाल पर भी मशावरत हुई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।